हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं ट्रिक टू लर्न रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। तो मैं बता देता हूं, रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उस कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रिक क्या होगी सारे रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन को रिमेंबर करने के लिए। तो बेटा, ट्रिक हमारे पास होती है डीएसपी और एक क्रिमिनल, बस ये इतनी सी ट्रिक है। और इससे आपको सारे के सारे रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन याद होने वाले हैं, डीएसपी और एक क्रिमिनल। तो देखिए बेटा, ट्रिक के अंदर हमारे पास क्या है, डीएसपी। डीएसपी के अंदर डी स्टैंड फॉर ड्यूओडेनम, एस स्टैंड फॉर सुप्रा रीनल जिसको एड्रीनल ग्लैंड भी बोला जाता है, पी स्टैंड फॉर पैनक्रियाज, देन और के अंदर ए स्टैंड फॉर अयोटा, और इसी के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो इंफीरियर वेना कैवा, यू स्टैंड फॉर यूरेटर्स, आर स्टैंड फॉर रेक्टम, एक ई स्टैंड फॉर ईसोफेगस, ओ साइलेंट है सो ई से क्या आ गया, ईसोफेगस, के स्टैंड फॉर किडनीज, एंड क्रिमिनल का सी स्टैंड फॉर कोलोन। सो ये जितने भी ऑर्गन मैंने आप लोगों को बताए, ये सारे के सारे ऑर्गन कैसे होते हैं, रिट्रो पेरिटोनियल, मींस ये सिर्फ एक साइड से ही कवर होते हैं, किससे, पेराइटल पेरिटोनियम से, और ये पेरिटोनियल कैविटी के बाहर लोकेटेड होते हैं। दैट्स इट बेटा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।